अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सारन गैस है वो किस तरीके से डेथ काज करती है, या इसका हमारे नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से जो हमारी सिनेप्सिस हैं उनको ये इफेक्ट करती है। उससे पहले खान अल असद सीरिया में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इस केमिकल को यूज़ किया गया था और उसके बदले बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, इवन बहुत सारे जख्मी भी हुए थे। और उसके अलावा गुता मेरे ख्याल से सीरिया में एक और उसी से करीब उसके आसपास ही एक और सिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा, तो वहाँ भी इस केमिकल को गिराया गया था जिसकी बेस पे बहुत सारे लोग मर गए थे। अब ये चीज़ है क्या, चलें इसको डिस्कस करते हैं। ये जो सारन गैस यानी नर्व गैस है, ये साइनाइड्स की बनिस्पत 26 टाइम्स मोर डेंजरस है। अब इसमें होता ही है कि अगर मैं थोड़ा सा अपने प्रीवियस टॉपिक की तरफ चला जाऊं कि हमने सिनेप्सिस में ये पढ़ा था कि जो एसिटाइल कोलाइन है वो पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है वहां पे जाके इफेक्ट करता है और रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, मतलब जाके रिसेप्टर पे एक्टिवेट होता है तो उससे फर्दर जो रिएक्शन है वो काज होता है। जैसे नर्व इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल फर्दर पोस्ट सिनेप्टिक जो नर्व है उसमें जनरेट हो जाता है, तब उस एसिटाइल कोलाइन को फौरन ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। अब ये काम किसके जिम्मे सौंपा गया था, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस के जिम्मे ये काम सौंपा गया था कि जैसे ही एक्शन परफॉर्म हो जाए तो आपने क्या करना है, एसिटाइल कोलाइन को ब्रेक डाउन कर देना है। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो एसिटाइल कोलाइन है ये मसल की कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है, और इसी तरीके से जो एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज है वो मसल को रिलैक्स करता है। वही जो नर्व गैस है वो क्या करता है कि वो उस एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज के साथ बाइंड हो जाता है। जैसे ही वो जो सारन गैस है नर्व गैस उस एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज के साथ बाइंड हो जाता है तो वो उसको उसका फंक्शन परफॉर्म करने से रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएं और एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज के साथ वो सारन गैस अटैच्ड है ऑलरेडी, तो हमारे जो मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट फॉर्म में रहेंगे। अगर यही चीज़ यही केस हमारे ये जो रिब मसल्स हैं, ठीक है, ये जो डायफ्राम के मसल्स हैं उसके साथ हो जाए तो क्या होगा कि आपके जो ये डायफ्राम या रिब्स के मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट फॉर्म में रहेंगे। अगर वो कंट्रैक्ट फॉर्म में रहेंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो बंदा लुढ़क गया, ठीक है। तो ये सारन गैस इस तरीके से क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये चीज आपके सेकेंड ईयर में लिखी हुई थी तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मैंने इस चीज को आप तक शेयर करना मुनासिब समझा। इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन लास्ट में दबाएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसी तरह की और वीडियोस मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।